या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ वस्त्रावृता, या नमन मंच। मैं पश्चिम बंगाल से पूजा कुमारी वाल्मीकि, CFM लेखिका मंच द्वारा आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। साथ ही मैं जहांगीर आलम सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें मंच प्रदान किया। आज हम सभी भिन्न भिन्न प्रांत से एकत्रित हुए हैं हिंदी को सम्मान देने के लिए। पर आज ही क्यों हिंदी को सम्मान देना? हिंदी तो हमें रोज सम्मानित करती है ना। अपनी स्वरचित कुछ पंक्तियां आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगी। ना हिंदी बोले खुद, ना बच्चों को सिखाया है। ना हिंदी बोले खुद, ना बच्चों को सिखाया है। आज हर नौजवान अंग्रेजी भाषा ओढ़े नजर आया है। हिंदी भाषी समाज क्यों टुकड़ों में मैंने पाया है? हिंदी भाषी समाज क्यों टुकड़ों में मैंने पाया है? देशज भाषा को प्रौढ़ कह, आज हर नौजवान मुझे अंग्रेजी जुबा ओढ़े नजर आया है। धन्यवाद आप सभी का। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे CFM लेखिका संघ के संस्थापक माननीय जहांगीर आलम सर जी का, कि वे आए और मंच को शोभान्वित करें। नमस्कार, आप सभी को CFM की तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज राष्ट्रीय CFM राष्ट्रीय लेखिका मंच के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आप सभी लेखिकाओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज हिंदी दिवस है। हिंदी यानी हमारी मातृभाषा, हिंदी हम यानी हमारा स्वाभिमान, हमारा अभिमान। परंतु हमारी मातृभाषा हमारे देश में उपेक्षित हो रही है, जिसे बचाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद भी किए जा रहे हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद से देश में हिंदी का एक वर्चस्व बना है। सरकारी संस्थानों में हिंदी में कामकाज होने लगे हैं, जो हिंदी प्रेमियों के लिए काफ़ी सुखद है। हालांकि कई संस्थाएं भी हिंदी को बचाने में अपना काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, जिसमें हमारा CFM भी शामिल है। CFM अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रहा है कि हिंदी को किसी तरह बढ़ावा मिले, इसका उत्थान हो और इसका जो मान है, सम्मान है, वो बना रहे। मैं अपने बातों को यहीं पे समाप्त करते हुए पूजा जी को आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम को सुचारू रखें, ताकि हिंदी विषय पर जो आज कार्यक्रम हुआ है और हिंदी की अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिल सके। और आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग भी हिंदी का व्यवहार अधिक से अधिक करें। धन्यवाद। आपके समक्ष उपस्थित होने जा रही हैं मंच की सबसे छोटी कवित्री, जो अपनी प्रस्तुति देंगी। उनका नाम बुलाना चाहूंगी, खुशबू कुमारी वाल्मीकि जी। आप सभी ढेरों प्यार और आशीर्वाद दें।
नमस्कार, मैं पूजा कुमारी वाल्मीकि, CFM राष्ट्रीय लेखिका मंच की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। साथ ही मैं जहांगीर आलम सर का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे संचालन का कार्यभार सौंपा। सबसे पहले आप सभी देशवासियों तथा देश के विभिन्न प्रांत से एकत्रित लेखिकाओं को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम, आप, हम सभी खुद को हिंदुस्तानी कहते हुए गर्व महसूस करते हैं। आप सभी से एक सवाल, क्या आप हिंदी बोलते भी वक्त भी वही गर्व महसूस करते हैं? यदि हाँ, तो आप सही मायने में हिंदुस्तानी। इस अवसर पर मैं अपनी स्वरचित कुछ पंक्तियां आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगी। पंक्तियां सुनिएगा। राष्ट्र प्रेमी हो तो मान करो, हिंदी में पहचान करो। हिंदी राष्ट्रभाषा हमारी, इसे मां सा सम्मान करो। जय हिंद कहो, जय हिंदी कहो, हिंदी में पर अभिमान करो। हिंदी मातृभाषा हमारी, इसे मां सा सम्मान करो। ना गौड़ बने हिंदी, ना प्रौढ़ बने हिंदी, नवनीत बने हिंदी, नवगीत बने हिंदी। हिंदी से नव जागरण की पहचान करो। हिंदी मातृभाषा हमारी, इसे मां सा सम्मान करो, इसे मां सा सम्मान करो। तो चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी बबीता सिंह जी को, वे आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। भारत माँ के भाल पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ, भारत माँ के भाल पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ। मैं भारत की बेटी आपकी अपनी हिंदी हूँ, मैं भारत की बेटी आपकी अपनी हिंदी हूँ। जी हाँ, मैं बबीता सिंह CFM लेखिका मंच की तरफ से आप सबों को हिंदी में नमस्कार करती हूँ। और आज इस हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर माँ वाणी को नमन करते हुए मैं अपनी स्वरचित कविता का पाठ करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है हिंदी। हिंदी हमारी शक्ति है, हिंदी हमारी भक्ति है। हिंदी हमारी शक्ति है, हिंदी हमारी भक्ति है। भावों की अभिव्यक्ति है हिंदी, भावों की अभिव्यक्ति है हिंदी। राष्ट्रीय प्रतीक बनाएंगे, जन जन तक पहुँचाएंगे। राष्ट्रीय प्रतीक बनाएंगे, जन जन तक पहुँचाएंगे। तिरंगे किसान बढ़ाएंगे हिंदी, तिरंगे किसान बढ़ाएंगे हिंदी। पहचान हमारी है हिंदी, अरमान हमारी है हिंदी। पहचान हमारी है हिंदी, अरमान हमारी है हिंदी। उत्थान हमारे संस्कृति की हिंदी, उत्थान हमारे संस्कृति की हिंदी। गीत कड़ी की है हिंदी, प्रीत देश की है हिंदी। गीत कड़ी की है हिंदी, प्रीति देश की है हिंदी। गीता कुरान बाइबिल है हिंदी, गीता कुरान बाइबिल है हिंदी। जीवन संगीत बनाएंगे, तम को दीप जलाएंगे। जीवन संगीत बनाएंगे, तम में दीप जलाएंगे। धारा सृष्टि की ताकत है हिंदी, धारा सृष्टि की ताकत है हिंदी। भाषा जननी शोर करे, कारा बंदी दूर हटे। भाषा जननी शोर करे, कारा बंदी दूर हटे। रजा मंदी से अपनाए हिंदी,
राजा मंदी से अपनाए हिंदी, हिंदी का सम्मान करो, हिंदी का गुणगान करो, हिंदी का सम्मान करो, हिंदी का गुणगान करो, जान मान अभिमान रहे हिंदी, जान मान अभिमान रहे हिंदी। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि हर भाषा की इज्जत करो पर हिंदी को ना बेइज्जत करो, हर भाषा की इज्जत करो पर हिंदी को ना बेइज्जत करो। धन्यवाद। मैं नूर फातिमा खातून नूरी, जिला कुशीनगर से CFM लेखिका संघ के सदस्य के रूप में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ और अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करती हूँ। खुद को हिंदी हिंदू कहलाते हैं, खुद को हिंदी हिंदू कहलाते हैं और हिंदी ही बोलने में लग जाते हैं, और हिंदी ही बोलने में लग जाते हैं। बच्चे हमारे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते हैं, बच्चे हमारे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते हैं, माता पिता अभिमान से कहते हैं, माता पिता अभिमान से कहते हैं। दैनिक वस्तुओं को अंग्रेजी में बुलाते हैं, दैनिक वस्तुओं को अंग्रेजी में बुलाते हैं और हिंदी ही बोलने में शर्माते हैं, और हिंदी ही बोलने में लजाते हैं। जिन अंग्रेजों ने भारत का खून चूसा, जिन अंग्रेजों ने भारत का खून चूसा, सैकड़ों साल तक भारत को लूटा, सैकड़ों साल तक भारत को लूटा। अब तो नई पीढ़ी खुद को अंग्रेज बनाते हैं, अब तो नई पीढ़ी खुद को अंग्रेज बनाते हैं और हिंदी ही बोलने में लजाते हैं, और हिंदी ही बोलने में लजाते हैं। अपनी मातृभाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाना है, अपनी मातृभाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाना है, देश विदेश में हिंदी भाषी बढ़ाना है, देश विदेश में हिंदी भाषी बढ़ाना है। चल विश्व भाषा में अपनी धाक जमाते हैं, चल विश्व भाषा में अपनी धाक जमाते हैं और हिंदी ही बोलने में लजाते हैं, और हिंदी ही बोलने में लजाते हैं। खुद को हिंदी हिंदू कहलाते हैं, खुद को हिंदी हिंदू कहलाते हैं और हिंदी ही बोलने में लजाते हैं, और हिंदी ही बोलने में लजाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं भावना गौर ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से आप सभी हिंदी साहित्यकारों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ व सादर नमन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरी इसी हिंदी दिवस पर एक छोटी सी प्रस्तुति जिसका शीर्षक है हिंदी राष्ट्र धरोहर है। हमारी हिंदी राष्ट्र की धरोहर है, बहुत प्यारी भाषा मेरी मनोहर है। बड़े बड़ों ने हिंदी की कलम पकड़ आगे बढ़ाया, लेखक और कवियों ने भाषा का परचम लहराया। यही अनमोल भारत की संस्कृति, सब है हिंदुस्तानी, हिंदी मेरे देश का गौरव, यही महत्व हमें समझाया। हमारी हिंदी राष्ट्र की है धरोहर, हिंदी साहित्य की काव्य सरोवर, देश की आन देश की मान, यही मानता हिंदुस्तान। कहते हम सब भारत के वासी, राष्ट्र की हिंदी पहचान। सुनो अंग्रेजी बोलने वालों, एक दिन ऐसा आएगा हिंदी बोलेंगे हिंदी लिखेंगे, अपना यही गान। हिंदी भारत की है पहचान, हमारी हिंदी राष्ट्र की धरोहर, जीवन की अब हिंदी है रसोदर। सूर तुलसी कबीर दास ने हिंदी का मान, आन मान शान, अपनी संस्कृति की यही पहचान। जन जन की यही पुकार, हिंदी का करें इस्तेमाल, हम सब मिलके करेंगे हिंदी की विशिष्ट पहचान। हमारी हिंदी राष्ट्र की है धरोहर, हम सभी प्यारी अनमोल मनोहर, हम सबकी प्यारी अनमोल धरोहर। जय हिंदी, जय जय हिंदी। मैं प्रीत कुमारी सेंगर आगरा से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये मेरी बहुत ही सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मैं आप लोगों के सामने हिंदी दिवस पर एक अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
ये तो आप लोगों को पता ही है कि आज का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से निर्णय लिया गया था कि हिंदी ही हमारी राजभाषा होगी, और इस राजभाषा को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी साहित्यकारों ने प्रयत्न किए जो आज हमारे सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। तो उसमें जो साहित्यकार थे काका कालेश्वर, मैथिली शरणगुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन साहित्यकारों ने इसको काफ़ी सहयोग दिया जिससे यह आज राजभाषा के रूप में उभर कर हमारे सामने। और हम सभी ज़्यादातर जो कार्य है कोशिश यही करें कि हिंदी में ही करें और हिंदी को ही हम पूर्ण महत्व दें। तो इस पर प्रस्तुत है मेरी एक कविता, मेरी स्वरचित कविता ही, हिंदी हमारी जान है, हिंदी हमारी जान है, मान है सम्मान है, हिंदी हमारी जान है, मान है सम्मान है, हिंदी के अपनेपन पर, हिंदी के अपनेपन पर कुर्बान हमारी जान है। विविधता में एकता, विविधता में एकता का जाति धर्म भूलकर समानता का पाठ पढ़ाती हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी शान है। सूर कबीर बिहारी के नीति परक दोहों में निराला और प्रेमचंद की लेखनी में हिंदी का ही गान है, हिंदी का ही गान है। आपस में हम हिंदी बोलें, कार्य करें सब हिंदी में, आपस में हम हिंदी बोलें, कार्य करें सब हिंदी में, चाहे घर हो या ऑफिस, चाहे घर हो या ऑफिस, हिंदी का ही मान रखें, हिंदी का ही मान रखें। आप सभी का एक बार पुनः 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 आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं ललिता पांडे दिल्ली से आप सभी को सीएफएम परिवार की तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस उपलक्ष्य में एक स्वरचित छोटा सा गीत प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है हिंदी मेरी दुनिया। तुम सर्वनाम बन आना, मैं संज्ञा बन के रह लूंगा, तुम सर्वनाम बन आना, मैं संज्ञा बन के रह लूंगा, मध्य विशेषण समेद न हो, मध्य विशेषण समेद न हो ना, बने प्रवाची एक दूजे के, तुम सर्वनाम बन आना, मैं संज्ञा बन के रह लूंगा, लोकोतियों पे ध्यान देना, लोकोतियों पे ध्यान न देना, ना बने मुहावरे दुनिया के, ना बने मुहावरे दुनिया के, बस अज़र तुम चली आना, बस अज़र तुम चली आना, हिंदी की बिंदी लगा लेना, हिंदी की बिंदी लगा लेना, बस अज़र तुम चली आना, थोड़ी सहज सरल सौम्य सी, थोड़ी सहज सरल सौम्य सी, तुम ओढ़ चु नर प्रत्योगी, तुम ओढ़ चु नर प्रत्योगी, चंद बिंदु सी एक झलक, चंद बिंदु सी एक झलक, तुम मुझको दिखला देना, तुम सर्वनाम बन आ जाना, थोड़ा अलंकार तुम धारण कर, थोड़ा अलंकार तुम धारण कर, नुक्कीर सो की लगा लेना, नुक्कीर सो की लगा लेना, तुम प्यारी सी हिंदी मेरी, तुम प्यारी सी हिंदी में, सर्वनाम बन आ जाना, सर्वनाम बन आ जाना, करता कारक मत लाना, तुम करता कारक मत लाना, कालों को अपना लूंगा, कालों को अपना लूंगा, संग तुम्हारे एक छोटी सी, संग तुम्हारे एक छोटी बगिया मैं बना लूंगा, तुम सर्वनाम बन आना, तुम सर्वनाम बन आना, मैं संज्ञा बन के रह लूंगा। नमस्कार, मैं संध्या कुमारी पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान जिले से सीएफएम राष्ट्रीय लेखिका मंच को धन्यवाद देते हुए हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपनी स्वरचित कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो कुछ इस प्रकार है कि हिंद है हम, हिंदी है दुनिया हमारी, बात करें जो इस लिपि की तो बात है इसके निराली, हुआ जन्म तो सदियों से था पर मान्यता मिली 14 को, हुआ जन्म तो सदियों से था पर मान्यता मिली 14 को, इसी औसत को सफल बनाने मनाते हैं हम इस दिवस को, है शान हर हिंदुस्तानी की क्योंकि निराली है इसकी कहानी, कई कई विद्वानों ने दी इसके लिए कुर्बानी, चाहे भारतेंदु या हो कालेलकर, चाहे भारतेंदु या हो कालेलकर, राजेंद्र सिंह जी की भी है अपनी कहानी, विभिन्नता में एकता को दर्शाती, विभिन्नता में एकता को दर्शाती,
प्रेम भाव दिलों में जगाती, हमको यह एहसास दिलाती कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हर संस्कृति हर रिवाज में बस हिंदी है समाई। हो तुम हिंदुस्तान की माथे की बिंदिया, हो तुम हिंदुस्तान की माथे की बिंदिया, चमक तुम्हारी शान है, खोने ना देंगे चमक तुम्हारी, यही हमारे अरमान है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं निक्की शर्मा रश्मि मुंबई से। CFM राष्ट्रीय लेखिका मंच का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, मुझे उन्होंने मौका दिया इस मंच पर आने का। हिंदी दिवस की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। हिंदी दिवस पर मेरी लिखी कुछ पंक्तियाँ। हिंदी हिंदी प्यारी हिंदी, हिंदी है अभिमान। हिंदी हिंदी प्यारी हिंदी, हिंदी है अभिमान। जग जग में गूंजे ये, हमको है अभिमान। मीठी बोली लगती हिंदी, प्रेम रस बरसाती है। मीठी बोली लगती हिंदी, प्रेम रस बरसाती है। अंजा ने भी मीठे कंठ से बोले है हिंदी महान। अंजा ने भी मीठे कंठ से बोले है हिंदी महान। हिंदी हिंदी प्यारी हिंदी, हिंदी है अभिमान। प्रेम पाठ पढ़ाती है, प्रेम पाठ पढ़ाती है, देश को देश से मिलाती है। हिंदी देश की शान है, हम सबको अभिमान है। भाषाओं का रूप देखो कितने इस संसार में, भाषाओं का रूप देखो कितने इस संसार में। लहर बहती हिंदी भाषा हर जगह रचती इतिहास में, हर जगह रची इतिहास में। हिंदी हिंदी प्यारी हिंदी, हिंदी है अभिमान। जग जग में गूंजे ये, हमको है अभिमान। हिंदी से प्रेम पाठ अनमोल इस संसार में, हिंदी से प्रेम पाठ अनमोल इस संसार में। ज्ञान का भाग ज्ञान का भंडार भरा, ज्ञान का भंडार भरा मातृभाषा के प्यार में। हिंदी से प्रेम पाठ अनमोल इस संसार में, ज्ञान का भंडार भरा मातृभाषा के प्यार में। सरल सीधी सच्ची भाषा, सरल सीधी सच्ची भाषा, हिंदी है भाषा महान। सरल सीधी सच्ची भाषा, हिंदी भाषा महान। राष्ट्रभाषा बने बस हिंदी, राष्ट्रभाषा बने बस हिंदी, अब दे यही सम्मान में। राष्ट्रभाषा बने बस हिंदी, अब दे यही सम्मान में। हिंदी हिंदी प्यारी हिंदी, हिंदी है अभिमान। जग जग में गूंजे ये, हमको है अभिमान। धन्यवाद। नमस्कार CFM मंच, मैं गाजियाबाद से नीतू वैश। सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष में मैंने हिंदी के ऊपर अपनी व्याख्या लिखी है, हिंदी को समझाने की कोशिश की है, तो मैं वही अपनी व्याख्या आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूं। मेरी व्याख्या का शीर्षक है, हिंदी क्या है और हिंदी के लिए हम क्या कर सकते हैं। हिंदी को अपना नाम पारसियन शब्द हिंदू से मिला, जिसका मतलब पवित्र नदी सिंधु नदी से है। सिंधु नदी के पास जो लोग पाए जाते थे उनको हिंदू कहा जाने लगा और उन्हीं के माध्यम से यह भाषा हिंदी भाषा कहलाई। पूरे विश्व में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। संविधान सभा के द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा का शासकीय भाषा के तौर पर स्वीकार किया गया। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हिंदी को 14 सितंबर को ही हिंदी को दर्जा मिला। राष्ट्रीय भाषा सन 1953 में मिला। हिंदी भाषा लेखनी ध्वनि प्रधान है, जैसा लिखा जाता है वैसे ही बोला जाता है। हिंदी को देवनागरी लिपि के रूप में लिखा भी जाता है और इसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी की पहली कविता कवि अमीर खुसरो साहब ने लिखी थी और 1977 में विदेश मंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र सभा में हिंदी में संबोधित किया था। लेकिन हिंदी को सबसे ज़्यादा नुकसान आज के अखबार ही पहुंचा रहे हैं, जिन्होंने अपने अखबार के अंदर सब सर्वाधिक अंग्रेजी भाषा और अन्य भाषाओं का प्रचार कर रखा है, जिसके कारण आज की युवा पीढ़ी हिंदी भाषा से दूर होती जा रही है और उसे हिंदी शब्द के मायने और हिंदी शब्द का
कुछ भी ज्ञान न होने के कारण वे अपनी मातृभाषा से दूर होते जा रहे हैं। हमें हिंदी के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय भाषा को पदासीन करना होगा। हमें हिंदी का प्रयोग करके अपने आप को और अपने देश को गौरवान्वित करना होगा और इसका प्रचार और प्रसार हमें सर्वाधिक करना होगा। अंग्रेजी भाषा के बोलचाल पर अधिक प्रचार ना हो, इसके लिए हमें अपनी मातृभाषा पर ध्यान देना होगा और अपनी मातृभाषा की एक पहचान बनानी होगी। और इसी कार्य में हमें प्रयासरत रहकर तभी हमारी हिंदी भाषा का विकास होगा और हमारी हिंदी भाषा की पहचान होगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं गीतापति CFM लेखिका संघ के माध्यम से उपस्थित गण, श्री आदरणीय जहांगीर आलम जी व रीमा पूजा लेखिका संघ की समस्त लेखिकाओं को हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं व आशा करती हूं कि प्रत्येक हिंदी दिवस पर हम सब यूं ही विभिन्न क्षेत्रों से रंग बिरंगी कविताओं का खजाना लेकर उपस्थित होंगे। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और हमें रूबरू होने का मौका भी मिलता है। इस स्थिति में सिर्फ और सिर्फ हिंदी ही एक मातृभाषा है जो हमें अन्य क्षेत्रों से, प्रांतों से, लोगों से जोड़ती है। यही कारण है कि हिंदी की वजह से आज हम इस मंच पर जो जहांगीर आलम जी ने हमें प्रदान किया है, उस मंच पर आज हम हिंदी के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं, एकत्र हुए हैं। आइए, आज मैं आप सबको आपके समक्ष अपनी स्वरचित कविता मैं हिंदी मीठी मृदुल भाषी हूँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं हिंदी मीठी मृदुल भाषी हूँ, थाम लो मेरा हाथ, मैं तो राजदुलारी हूँ। मैं हिंदी हूँ, साहित्य की फुलवारी हूँ, गीत गजल नगमे दोहे कविता गद्य पद्य छंद मेरी ही कलाकारी है। भूल गए क्या तुम अंग्रेजों ने बनाया था गुलाम, भूल गए क्या तुम अंग्रेजों ने बनाया था गुलाम, मुझे छोड़कर तुम उसको करती हो प्रणाम। मैं देवनागरी ऋषियों मुनियों की वाणियों में वास करती हूँ, मैं देवनागरी ऋषियों मुनियों की वाणी में वास करती हूँ। सीधी हूँ, सरल हूँ, सीखने की रखो अभिलाषा, राष्ट्रभाषा होकर भी गाते हो अंग्रेजी गाथा। मेरे वतन में मेरा ही तुम करते हो अपमान, आ से अनपढ़ से ग्यासे ज्ञानी बनाया, आसे अनपढ़ से ग्यासे ज्ञानी बनाया, मात्राओं का सही ज्ञान करवा कर उच्चारण करना सिखाया। कभी छोटी ई की मात्रा में समा जाऊं, कभी बड़े ऊ से ऊंट बन जाऊं, तभी तो मैं हिंदी भाषा कहलाऊं। कभी ए से एड़ी, कभी अंग से खट्टे अंगूर कहलाऊं। संस्कृत कभी वैदिक, कभी संस्कृत, कभी पाली, कभी प्राकृतक, कभी अपभ्रंश, और अब मैं हिंदी कहलाऊं। मैं हिंदी मीठी मृदुल भाषी हूँ, थाम लो मेरा हाथ, मैं तो राजदुलारी हूँ, थाम लो मेरा हाथ, मैं तो राजदुलारी हूँ। गीतापति, दिल्ली से। धन्यवाद। मैं दीप्ति प्रसाद, CMFF राष्ट्रीय लेखिका संघ द्वारा हिंदी दिवस पर आयोजित महिला साहित्यिक सम्मेलन में अपनी रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं जहांगीर आलम जी, रीमा जी, पूजा जी एवं CMFF की सारी सदस्याओं को मेरा सादर नमन। साथ ही मैं आप सभी की तहे दिल से आभारी हूँ जो आप सब ने मुझे मन साझा करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। मैं आज के समय के बारे में बात करना चाहती हूँ। आप सभी जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं, मगर मेरा कहना है कि आज की पीढ़ी हिंदी से कोसों दूर हो जा रही है।
इस पे मैं कुछ अपनी बातें आपसे साझा करना चाहती हूँ। साथ ही अपनी एक छोटी सी कविता आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ी सी अपनी बातों को आपके साथ साझा करूँगी, आप ताकि मेरी बातों को समझ सके मैं क्या कहना चाह रही हूँ आज की पीढ़ी के बारे में और हमें क्या करने की ज़रूरत है। आप हम मुझे सहयोग करेंगे और मेरे समर्थन में आएंगे और मेरा उत्साह बढ़ाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं अपनी बात रखने जा रही हूँ। आज की पीढ़ी में हिंदी का महत्व छीन हो गया है। आज की पीढ़ी में हिंदी हर जगह अंग्रेजी का बोलबाला है, हर जगह अंग्रेजी का ही बोलबाला है। आज की पीढ़ी के लिए एक पन्ना सही सही लिखना एक युद्ध के बराबर है। आज हमारा समाज पाश्चात्य सभ्यता को अधिकाधिक रूप में ग्रहण कर चुका है। हम सब बहनों को हिंदी का लौ लोगों के हृदय में जलाने की मुहिम करनी है, तथा इसकी शुरुआत अपने घर से होती है, क्योंकि यही समाज को जागृत करने का रास्ता है। हम सब बहनें अगर एक प्रण कर ले कि हम अपने बच्चों को हिंदी में पारंगत करेंगे तो यही बच्चे कल के तो देश के एक नौयुवा होंगे जो एक नई धारणा लेके लाएंगे इस देश में, और एक नई हिंदी के लिए एक नई जागृति होगी लोगों के दिल में। इसलिए आज से हम ये प्रण करें कि हम लोग हिंदी के लौ लोगों के हृदय में जला के रखेंगे। इसको प्रण कर ले और ठान ले हम लोग। अब मैं अपनी कविता आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हिंदी मेरा मान। हिंदी की लौ को कभी बुझने नहीं देना, फिर नहीं बजेगा ये ढोल नगारे। हिंदी की लौ को कभी बुझने नहीं देना, हम सबका गर्व है इसे झुकने नहीं देना। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी। हर कनकन में बसी है हिंदी, मेरी माँ की बोली भी बसी है इसमें, मेरा मान है हिंदी, मेरा शान है हिंदी। हाथ में तुम्हारे देश की शान है, हिंदी अपना कर तुम बनो महान। भारत माँ के शीश पे सजी बिंदी हूँ, मैं भारत की बेटी, आपकी अपनी हिंदी हूँ। हम सबकी यही तमन्ना, अंग्रेजी को पछाड़, हिंदी बने विश्व भाषा। हिंदी मेरा मान, हिंदी मेरी पहचान। यही मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि हम सब बहनें प्रण करें और हिंदी को जागृत करें लोगों के बीच में। यही पे मैं अपनी कविता शेष करती हूँ। आप सबको मेरा सादर नमन। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने हिंदी भाषा पर अपनी रचना बोलने जा रही हूँ। मैं करमजीत मलोट से पंजाब की रहने वाली हूँ। मुझे जैसे प्यारी पंजाबी हिंदी को चाहने वाली हूँ। मेरी मातृभाषा पंजाबी है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। माँ सी लगे मुझे पंजाबी हिंदी, मुझे मौसी जैसी है। तेरह स्वर और 35 व्यंजनों से है ये तो सजी हुई। सरगम के साथ स्वरों के जैसे इसका सुंदर गान है। चाहे बोलो भाषा कोई भी, हिंदी का भी गुणगान करो,
सभी भाषाओं के जैसे ही हिंदी का भी सम्मान करो। है सबकी प्यारी हिंदी ये, है सबकी प्यारी हिंदी से मुझको भी इस पर अभिमान है। है ये प्यारी भाषा हमारी हिंदी सबकी शान है। मैं गर्मजीत मलोट से पंजाब की रहने वाली हूँ, मुझे जैसे प्यारी पंजाबी हिंदी को चाहने वाली हूँ। थैंक यू। मैं नम्रता तिवारी लखनऊ उत्तर प्रदेश से सेफम रेखा मंच की तरफ से आप सभी देशवासियों को हिंदी दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करती हूँ। आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को एक स्वरचित कविता जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा का उत्थान सुनाना चाहती हूँ। हिंदी भाषा का हमको उत्थान भी करना होगा। भारत माता के श्रृंगार को शिरोधार करना होगा। भारत माता के श्रृंगार को शिरोधार करना होगा। देख लिया है हमने तपकर इस अंग्रेजी भाषा में। देख लिया है हमने तपकर इस अंग्रेजी भाषा में। भूल गए हैं मातृभाषा को उत्थान की पिपासा में। भूल गए हैं मातृभाषा को उत्थान की पिपासा में। आने वाले समय में भाषा तम को हरना होगा। आने वाले समय में भाषा तम को हरना होगा। भारत माता के श्रृंगार को शिरोधार करना होगा। जब से आई है अंग्रेजी इन पड़ोसी देशों की, हम भी भूल गए अपनी मर्यादा हिंदी भाषा की। हम भी भूल गए अपनी मर्यादा हिंदी भाषा की। अब तक जो हो चुकी है हानि उसको दूर करना होगा। भारत माता के श्रृंगार को शिरोधार करना होगा। दिखे बहुत विद्यालय जहाँ अंग्रेजी कंठस्थ कराते हैं। दिखे बहुत विद्यालय जहाँ अंग्रेजी कंठस्थ कराते हैं और अपनी मातृभाषा का ध्यान नहीं रख पाते हैं। और अपनी मातृभाषा का ध्यान नहीं रख पाते हैं। हिंदी भाषा के गुणों का गुणगान भी करना होगा। भारत माता के श्रृंगार को शिरोधार करना होगा। नहीं है संभव यह अब बिना अथक प्रयास के। कार्य यूं नहीं होंगे केवल भाषण व विश्वास से। कार्य यूं नहीं होंगे केवल भाषण व विश्वास से। एकजुट होकर सबको यह अथक प्रयास करना होगा। हिंदी भाषा के श्रृंगार को शिरोधार करना होगा। हिंदी भाषा का हमको उत्थान भी करना होगा। भारत माता के श्रृंगार को शिरोधार करना होगा। धन्यवाद। CFM
लेखिका मंच को मेरा नमन। हिंदी दिवस की सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं अपनी स्वरचित कविता पाठ करने जा रही हूं, जिसका शीर्षक है मैं हिंदी हूं। मैं हिंदी हूं, कवि की कल्पना में हूं। कबीर ने मुझे चाहा, रहीम ने मुझे पोसा। मैं खुसरो की पहेली में, सूर के पदों में रहती हूँ। गिरधर की कुंडली में, अलंकारों में बसती हूँ। मैं उपमाओं से सजती हूँ, मैं हिंदी हूँ। तुलसी के दोहों में, छंदों में, चौपाइयों में मेरा स्थान है ऊंचा। मैं रसखान की भाषा में झलकती हूँ। महादेवी की कविता में, निराला के साहित्य में छलकती हूँ। परसाई के व्यंगों में हंसी बनकर खनकती हूँ, मैं हिंदी हूँ। हरिवंश की मधुशाला में, गुप्त की पंचवटी में मैं हूँ। प्रेमचंद के उपन्यासों में, के पात्रों में जीवंत हूँ। व्यंजनों की व्यंजना में, विशेषण की विशेषता में मैं सजती हूँ, संवरती हूँ। मैं गद्यों में, मैं पद्यों में, मैं समाचारों में, मैं हिंदी हूँ। मैं ईश्वर की कृपा में, सरगम के सात स्वरों में, गज़लों में, भजनों में, राष्ट्र के गान में मैं हूँ। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका वैशायना लखनऊ से आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और कुछ दोहे लेकर आई हूँ हिंदी माँ के लिए। आशा करती हूँ पसंद आएंगे, हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। हिंदी भाषी जन सभी दे औरों को मान, हिंदी भाषी जन सभी दे औरों को मान। हिंदी में जो बात है कहीं नहीं वो बात, शब्द शब्द गरिमामयी हिंदी की पहचान, शब्द शब्द गरिमामयी हिंदी की पहचान। भाव अधूरे से रहें बिन हिंदी के ज्ञान, हिंदी अधरों पर सजे है हर शब्द प्रधान। हिंदी अधरों पर सजे है हर शब्द प्रधान, उच्च शिखर मिलता रहे हो सबको अभिमान। हिंदी का गौरव बढ़े रहे युगों तक प्यार, इसकी सेवा का हमें है पूरा अधिकार। उच्च शिखर पहुँचा दिया धन्य धन्य विश्वास, उच्च शिखर पहुँचा दिया धन्य धन्य विश्वास। हिंदी गीत बुझा रहे शुष्क अधर की प्यास, उन्नति हिंदी की करे हम दे कर जी जान। हिंदी की उन्नति करे हम दे कर जी जान। निज भाषा उन्नति बिना हो नहीं देश महान। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपने मुझे सुना। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, वंदे मातरम। प्रियतम गुप्त को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यह मंच प्रदान किया। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपके सामने अपनी कुछ
पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। हमारी हिंदी एक चिड़िया की तरह थी जो दिन भर चहकती थी बिना किसी भय और संशय के। वो जहाँ भी जाती थी सब उसमें शामिल हो गए उसकी भाषा में। उसने हवाओं को स्वर दिए, उसने पत्तों को हिलाया, पत्तों ने जोर से आवाज़ लगाई, बादल बढ़ते धरती हो गई हरी। बहुत सारी चीज़ें आज सिर्फ देखी जाती हैं। भाषा ने उसे नाम दिए, जिनके सिर्फ नाम पता थे उनको आकार दिए और सभी आकार घूमते गए भाषा में बिल्कुल पानी की तरह एकदम पारदर्शी। सुनो, विलुप्त मत होने देना हमारे इस हिंदी भाषा को कि खुश खोजना मुश्किल हो जाए। मेरी पंक्तियों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सोनी खातून है। हिंदी दिवस के इस अवसर पर सीएफएम पटल पर उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं वर्धमान यूनिवर्सिटी के एमए की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कविता हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जिसका शीर्षक है वो कुछ इस प्रकार से है। हिंदी है सबकी जान, हिंदी से मिला सम्मान, जिसने जोड़ कर रखा है संपूर्ण देश को, है यह हिंदी की पहचान। हो चाहे जितनी भाषाओं का भी ज्ञान, पर फिर भी हिंदी ही है हमारी जान। है यह न केवल हिंदी, यह तो है वह कालजयी भाषा, जिससे ही है एकता की पहचान, यही है हम सबकी जान। हिंदी ही है वह भाषा जिसने हमें पढ़ना और गाना सिखाया, जिसने हमें हमेशा अपनी पहचान दिलाया, है वो हमारी मातृभाषा हिंदी। चाहे हो कबीर या हो केशव, चाहे हो रसखान या हो भूषण, सबने मिलकर हमें यह बात सिखाई, हिंदी में ही है चेतना, हिंदी ही है प्राण, हिंदी ही है देश का स्वाभिमान। हिंदी का उत्थान कर, हिंदी को बढ़ाएं, सबको हिंदी का महत्व समझाकर, आओ एकजुटता का आह्वान करके हिंदी को सम्मान दिलाएं। यह वह भाषा जिसने हमेशा प्रेरित किया, मुगलों को मार भगाया, हमें हमेशा सुरक्षित रखा, हिंदी को कायम रखने के लिए अनेक संघर्षों से गुजरना पड़ा, हिंदी का प्रचार कर, हिंदी को कायम कर देश का नाम रोशन किया। हिंदी ही है हमारा गौरव, हिंदी ही है जान, हिंदी से ही है हर भारतीय की शान, हिंदी ही है राष्ट्रभाषा हमारी, हिंदी से ही है मेरा अस्तित्व और यही है मेरी पहचान। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ मैं, डॉक्टर कुमुद बाला, हैदराबाद तेलंगाना राज्य से। आप सभी को नमस्कार। लोग हिंदी से क्यों मिलते नहीं, हिंदी के प्रति सादर भाव या अब तो और कहीं दिखते नहीं, अंग्रेजी से हाथ मिलाते लोग हिंदी से क्यों मिलते नहीं, अंग्रेजी से हाथ मिलाते लोग हिंदी से क्यों मिलते नहीं। यहाँ इसकी कीमत पहचानी थी गोरख और कबीर ने, एक तारे की धुन पर बोला था मीरा और रहीम ने, देववाणी संस्कृत की पुत्री से अब खुलकर क्यों मिलते नहीं, अंग्रेजी से हाथ मिलाते लोग हिंदी से क्यों मिलते नहीं। और आगे का बंद देखिए, हिंदी की लड़ाई लड़ते लड़ते हो गए 74 साल, हिंदी की लड़ाई लड़ते लड़ते हो गए 74 साल, फिर भी कान पे जू ना रेंगी राष्ट्रभाषा का है यह हाल। बदनाम राजनीति का गलियारा, बदनाम राजनीति का गलियारा, क्यों दिल यहाँ खिलते नहीं, अंग्रेजी से हाथ मिलाते लोग हिंदी से क्यों मिलते नहीं। और आगे देखिए, रोजी रोटी के सवाल पर अंग्रेजी का है वर्चस्व यहाँ, रोजी रोटी के सवाल पर अंग्रेजी का है वर्चस्व यहाँ, पेट पालना भूख मिटाना नहीं इसका विकल्प यहाँ। क्या कहो हिंदी का अपराध क्या, कहो हिंदी का अपराध क्या, क्यों है विकल्प वे ढूंढते नहीं, अंग्रेजी से हाथ मिलाते लोग हिंदी से क्यों मिलते नहीं। और अंतिम बंद प्रस्तुत कर रही हूँ, सुखद वह दिन कब आएगा कहलाएगी जब राजभाषा, सुखद वह दिन कब आएगा
कहलाएगी जब राष्ट्रभाषा, खुलकर होगी हिंदी की बात और मुस्काएगी हिंदी भाषा। है हिंदी वह भाषा कमल, है हिंदी वह भाषा कमल, जिसे दाग पंकिल के लगते नहीं, अंग्रेजी से हाथ मिलाते लोग हिंदी से क्यों मिलते नहीं। हिंदी के प्रति सादर भाव यह अब तो और कहीं दिखते नहीं, अंग्रेजी से हाथ मिलाते लोग हिंदी से क्यों मिलते नहीं, लोग हिंदी से क्यों मिलते नहीं। धन्यवाद। नमस्कार मंच, मैं शारदे को प्रणाम करते हुए श्रीमती सुनीता बहुगुणा राष्ट्रीय सीएमएफ लेखिका मंच द्वारा आयोजित हिंदी दिवस पर विशेष कार्यक्रम में अपने मंच संचालक महोदय एवं महोदया का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान कर अपनी कविता का वाचन करने का अवसर प्रदान किया। मैं अपने समस्त साथी बहनों का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ जो इस मंच से अपनी कविता का वाचन करेंगे। लीजिए मेरी कविता प्रस्तुत है। आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाते हैं, आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी है भारत की राजभाषा, सबको यह समझाते हैं। हिंदी है भारत की राजभाषा, सबको यह समझाते हैं। महासितंबर सन 1949 को राजभाषा घोषित किया, महासितंबर सन 1949 को राजभाषा घोषित किया, अनुच्छेद 343 एक में शामिल कर राजभाषा का दर्जा दिया, अनुच्छेद 343 एक में शामिल कर राजभाषा का दर्जा दिया। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस एक रूप दिया, हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस एक रूप दिया। संपूर्ण भारतवर्ष ने इस रूप को अंगीकृत किया, संपूर्ण भारतवर्ष ने इस रूप को अंगीकृत किया। महान कवियों ने इस भाषा में जनमानस को दिया साहित्य, महान कवियों ने इस भाषा में जनमानस को दिया साहित्य। पढ़कर इस साहित्य को जनमानस जीवन आनंदित करता नित्य, पढ़कर इन साहित्य को जनमानस जीवन आनंदित करता नित्य। यह मानव के जीवन पटल पर, यह मानव के मानस पटल पर लिखा हिंदी का नाम है, यह मानव के मानस पटल पर लिखा हिंदी का नाम है। यह भाषा विश्व में उत्तम भाषा है कहता हिंदुस्तान है, यह भाषा विश्व में उत्तम भाषा है कहता हिंदुस्तान है। हिंदी का प्रसारण और प्रचारण करेगा हिंदुस्तान, हिंदी का प्रसारण और प्रचारण करेगा हिंदुस्तान, तभी अंतर्राष्ट्रीय पहचान पा देश बनेगा मेरा महान, तभी अंतर्राष्ट्रीय पहचान पा देश बनेगा मेरा हिंदुस्तान, बनेगा मेरा महान। उठो जागो हे वीर सपूतों भारत के सारे इंसान, उठो जागो हे वीर सपूतों भारत के सारे इंसान, हिंदी का उत्थान करो जगाओ अपना खोया स्वाभिमान, हिंदी का उत्थान करो जगाओ अपना खोया स्वाभिमान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये अनेक नहीं सब एक हैं, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये अनेक नहीं सब एक हैं, इन सबको एक करना होगा हमारे जीवन का उद्देश्य नेक, इन सबको एक करना होगा हमारे जीवन का उद्देश्य नेक, हमारे जीवन का उद्देश्य नेक। धन्यवाद आप सबका मेरी इस कविता को सुनने के लिए, धन्यवाद। नमस्कार, मैं भोपाल से रश्मि मिश्रा हिंदी और हिंदुस्तान दोनों को प्रणाम करती हूँ। CFM समाचार पत्र के संपादक आदरणीय जहांगीर आलम सर जिन्होंने यह मंच प्रदान किया है, हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। CFM लेखिका मंच की संयोजक रीमा मिश्रा एवं CFM मंच के इस कार्यक्रम की संचालक पूजा जी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी दिवस की इस कड़ी में प्रस्तुत है मेरा ये गीत। देख लो जाकर सकल जहान, राष्ट्रभाषा सबकी पहचान, आज से ठान लीजिए हिंदी को मान दीजिए, आज से ठान लीजिए हिंदी को मान दीजिए। ये पूरब ये पश्चिम वाले ये उत्तर
उत्तर और दक्षिण वाले सभी भारत माँ की संतान, हिंद हिंदी है सबकी आन। चलो फिर मिलकर ले संकल्प, हिंदी का नहीं है कोई विकल्प। आज से ठान लीजिए हिंदी को मान दीजिए, आज से ठान लीजिए हिंदी को मान दीजिए। एक ही गुलशन के हम फूल, मगर जिंदा हो एक उसूल। भले हो भिन्न भिन्न परिवेश, मगर सबसे पहले है देश। दिलों में पले यही अरमान, हिंदी से महके हिंदुस्तान। आज से ठान लीजिए हिंदी को मान दीजिए। देख लो जाकर सकल जहान, राष्ट्रभाषा सबकी पहचान। आज से ठान लीजिए हिंदी को मान दीजिए, हिंदी को मान दीजिए। वंदे मातरम। नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज हिंदी दिवस पर मैं स्मृति कुमकुम पटना बिहार से आप सबके सम्मुख रूबरू हूँ, सम्मुख हाजिर हूँ। एक छंद से स्वागत करती हूँ आप सबका, और हिंदी दिवस पर आप सबको हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप सब हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही कोशिश कर रहे हैं। आप सबों को मेरी तौर से शुभकामनाएं। आइए एक छंद से आप सबका स्वागत करती हूँ, सुनिएगा। गिट पिटे अब करे हाय हेलो सब बोले, गिट पिटे अब करे हाय हेलो सब बोले। भूल गए सम्मान में हाथ को ही जोड़ना, भूल गए सम्मान में हाथ को ही जोड़ना। रस भाव जहाँ मिले प्रेम धार मिल गले, रस भाव जहाँ मिले प्रेम धार मिल गले। देश हो विदेश में भी गर्व हिंदी बोलना, रस भाव जहाँ मिले प्रेम धार मिल गले। देश हो विदेश में भी गर्व हिंदी बोलना। हिंदी का प्रचार करे शुद्ध मन विचार करे, हिंदी का प्रचार करे शुद्ध मन विचार करे। देवलोक संस्कृति अच्छा नहीं छोड़ना, देवलोक संस्कृति अच्छा नहीं छोड़ना। एक दिन याद कर फर्ज मात्र निभा कर, एक दिन याद कर फर्ज मात्र निभा कर। भाव भरे हिंदी दिल ऐसे नहीं तोड़ना, भाव भरे हिंदी दिल ऐसे नहीं तोड़ना, ऐसे नहीं तोड़ना जी, ऐसे नहीं तोड़ना। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा सिंह, नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से। हिंदी दिवस की इस अवसर पर आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमारे मनों को जो छूने वाली ऐसी भाषा है जिसमें हम अपने मन के उद्गार व्यक्त करके प्रसन्न होते हैं। इसी हिंदी दिवस के उपलक्ष पर एक रचना आपके सामने प्रस्तुत करी हूँ। मैं हिंद की बेटी हिंदी हूँ, मैं हिंद की बेटी हिंदी हूँ। भारत के उज्जवल माथे की, भारत के उज्जवल माथे की मैं ओजस्वी बिंदी हूँ। मैं हिंद की बेटी हिंदी हूँ। संस्कृत पाली प्रकृत अपभ्रंश की, संस्कृत पाली प्रकृत अपभ्रंश की पीढ़ी दर पीढ़ी सहेली हूँ। मैं हिंद की बेटी हिंदी हूँ, मैं हिंद की बेटी हिंदी हूँ। मैं जन जन के मन को छूने की, मैं जन जन के मन को छूने की एक सुरीली संधि हूँ। मैं हिंद की बेटी हिंदी हूँ, मैं हिंद की बेटी हिंदी हूँ। मैं देव भाषा संस्कृत का आवाहन, राष्ट्रमान हिंदी हूँ। मैं हिंद की बेटी हिंदी हूँ, मैं हिंद की बेटी हिंदी हूँ। पहचान हूँ हर हिंदुस्तानी की, पहचान हूँ हर हिंदुस्तानी की। आन हूँ हर हिंदी साहित्य के अगवानों की। मैं मातृभाषा हिंदी हूँ, मैं मातृभाषा हिंदी हूँ। मैं हिंद की बेटी हिंदी हूँ।
माँ बोली का मान हूँ मैं, माँ बोली का मान हूँ मैं, भारत की अनोखी शान हूँ मैं, मुझको लेकर चलने वाले हिंदी साहित्यकारों की जान हूँ मैं, मुझको लेकर चलने वाले हिंदी साहित्यकारों की जान हूँ मैं हिंद की बेटी हिंदी हूँ, मैं हिंद की बेटी हिंदी हूँ, हिंदी साहित्य मैं हिंद की बेटी हिंदी हूँ, मैं राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ, विश्व तिरंगा फैलाऊंगी, मन मन हिंदी ले जाऊंगी, मन को तिरंगित कर मधुर भाषा में हिंदी को विश्व मानचित्र पर सजाऊंगी, मैं हिंद की बेटी हिंदी हूँ, भारत के माथे पर चमकती ओजस्वी वो बिंदी हूँ, मैं हिंद की बेटी हिंदी हूँ, भारत के उज्ज्वल माथे की मैं ओजस्वी बिंदी हूँ, मैं हिंद की बेटी हिंदी हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नमस्कार, मैं खुशबू पांडे CFM लेखिका संघ की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस है। हर साल 14 सितंबर को मनाया जाने वाला हिंदी दिवस भारतीय संस्कृति को संजोने और हिंदी भाषा को सम्मान देने का एक तरीका है। वर्ष 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया। भारत में हिंदी सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। वर्ष 2001 में आयोजित जनगणना में 422 लाख से अधिक लोगों ने अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया है। हिंदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे कई राज्यों की आधिकारिक भाषा है। बिहार देश का पहला राज्य है जिसने अपनी एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया है। हिंदी दिवस हमें सांस्कृतिक जड़ों को फिर से देखने और अपनी समृद्धता का जश्न मनाने वाला दिन है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें इसका आदर करना चाहिए और इसके मूल्य को समझना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं सुषमा दीक्षित शुक्ला लखनऊ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। CFM लेखिका मंच की तरफ से मैं आज अपनी हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी पर लिखी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदुस्तान के रहने वालों, हिंदी से तुम प्यार करो, हिंदी का यह पहचान है भारत माँ की, हिंदी का सत्कार करो। हिंदी के विद्वानों ने तो परचम जग में लहराए, संस्कार के सारे पन्ने, संस्कार के सारे पन्ने हिंदी से ही है पाए। देवनागरी लिपि में अपनी छुपा हुआ अपनापन है, अपनी प्यारी भाषा हिंदी भारत माँ का दर्पण है। हिंदुस्तानी होकर तुमने, हिंदुस्तानी होकर तुमने यदि इसका अपमान किया, तो फिर समझो भारत वालों खुद का ही नुकसान किया। हिंदुस्तान के रहने वालों, हिंदी से तुम प्यार करो, ये पहचान है माँ भारत की, हिंदी का सत्कार करो। नमस्कार मित्रों, हिंदी भारत की आत्मा है। नमस्कार, मेरा नाम राखी सरोज है। मैं हिंदी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। आज के कार्यक्रम के आयोजन के लिए CFM और जहांगीर आलम सरकार धन्यवाद करती हूँ।
हिंदी के इस दिवस पर मैं अपने ओर से कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूँ। हिंदी की बिंदी लगती थी जिस नारी जैसी, आज उस नारी जैसी हो गई, अपने ही देश में पराई हो गई। आज चंद पाठशाला के पन्नों में, चंद पाठशाला की किताबों के पन्नों में सिमट कर रह गई। फिर कौन पूछेगा हिंदी को, जब वह अपने ही घर में पराई हो गई। हिंदी एक भाषा है, यह हम सभी जानते हैं। हिंदी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, किंतु वह उसकी खोती उपलब्धियां, उसका खोता स्थान, हम सभी जानते हैं कि बहुत दुख की बात है कि बहुत से देशों में बोली जाने वाली भाषा हिंदी एक बहुत बड़ी भाषा है, जो तीसरे नंबर पर विश्व में बोली जाती है, किंतु अपने ही देश में खोती जा रही है। 75% से अधिक लोग भारत में हिंदी का प्रयोग करते हैं, फिर भी हिंदी अपने ही देश में खोती जा रही है। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसको हम सभी जानते हैं कि वह पराई भाषा है, फिर भी हमारे देश पे उसका हिंदी से अधिक कब्जा है, जबकि उसकी उसको बोलने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 40% के लगभग है। हिंदी को हम राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिला पाए, जबकि आज़ाद होते ही पाकिस्तान ने उर्दू को अपने यहाँ पे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया। अगर वह कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर पाए। हम अपने यहाँ की भाषा को, अपने यहाँ के देश, अपने देश को वह स्थान क्यों नहीं देते अपनी भाषाओं को, जो अन्य देश देते हैं अपनी भाषाओं को। आज हमने एक व्यापार बना लिया है भाषा को भी, यह अंग्रेजी भी एक व्यापार बन चुकी है, जिसका इस्तेमाल लोगों को दबाने के लिए किया जा रहा है। उच्च वर्ग के कुछ जाने माने लोगों द्वारा अंग्रेजी को इतना अधिक महत्व दिया जाता है कि हिंदी का स्थान खोता जा रहा है। लोगों को मजबूर किया जाता है कि वह हिंदी को छोड़ अंग्रेजी को सीखें, अंग्रेजी को अपनाएं, जिसके कारण लोग अपनी भाषा से दूर होते जा रहे हैं। हमें विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं अपने साथ, अपने देश के साथ और अपनी भाषाओं के साथ। धन्यवाद। मैं गरिमा राकेश गौतम, कोटा राजस्थान से, आज हिंदी दिवस के अवसर पर CFM मंच के द्वारा होने वाले ऑनलाइन कवि सम्मेलन में आप सभी के सामने मैथिली शरण गुप्त की रचित मनुष्यता कविता रखना चाहती हूँ। इस कविता को रखने का एक मकसद ये भी है कि मेरे अध्यापन काल में मैंने जितनी कविताओं का अध्यापन कराया है, उनमें चंद कविताओं ने मेरे दिल को बहुत अच्छे से छुआ है, और ये मनुष्यता कविता उन्हीं में से एक है जो आज मैं आप सभी के सामने रखने जा रही हूँ। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यूं मरो कि याद तो करे सभी। हुई न यो सुमृत्य तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूंजती। अखंड आत्म भाव जो असीम भाव में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्षुदार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिश ने समास भी है दान किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव ही बनी हुई से मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग ज्ञान सामने झुका रहा। आहा वही उदार है
परोपकार जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मनांद तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। रहो न भूल के कभी मनांद तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, अतीव भाग्यहान है जो धीर भाव जो करे, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो रहे बड़ा बड़ा रहे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत वृक्ष है खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बड़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा आगे बढ़ो, परस्परावलंब से उठो तथा आगे बढ़ो। अभी अमर्त्य पंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो नयो की एक से न काम एक का सरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभु पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरिक्ष में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, पुण्य विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तार हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरू परंतु यू मरो कि याद तो करे सभी। जय हिंद। धन्यवाद सीएफएम मंच और जहांगीर सर का विशेष धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। धन्यवाद। सीएफएम का एक मकसद उन्नत हो साहित्य जगत, हिंदी का प्रचार हो, देश का उपकार हो। कोई हिंदी से ना दूर हो, इंग्लिश के नशे में चूर हो। अपनी मातृभाषा हिंदी हर घर में व्यवहार हो। हिंदी हिंदी शिरमो तो हिंदी का गुणगान हो। सीएफएम का एक मकसद उन्नत हो साहित्य जगत, हिंदी का प्रचार हो, देश का उपकार हो।